अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्री पवन जी कासलीवाल की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुजी कासलीवाल जयपुर एवं पुत्री दिव्या चौधरी, दामाद अरिहंत चौधरी, दोहिते क्षायिक चौधरी व श्रद्धान चौधरी किशनगढ़ अजमेर राजस्थान। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोए सर्वसाहूनम, ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो विप्रक्षालित सकल भूतल मल कलंक, मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः, सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ कर्ता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारम आसाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितम श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है और यहाँ विविध प्रकार के आचरणों की चर्चा चल रही थी। श्रावकों को श्रावक बनाया जा रहा है और क्या कह सकते हैं। श्रावक, श्रावकों की वर्तमानकालीन दिनचर्या इस तरह की दिखती है जिससे श्रावक धर्म लज्जित होता हुआ दिखाई दे रहा है, बदनाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। श्रावकों को श्रावक कहते हुए शर्म आने लगती है, इसलिए कह रहे हैं भाई श्रावकों को श्रावक बनाओ, श्रावकों को श्रावक। ये श्रावक कहलाने के लायक हैं क्या? हाँ, श्रावकों का जीवन कैसा होता है जैन शास्त्रों के आधार पर बतलाओ, जैनतर शास्त्रों के आधार पर बतलाओ। देश काल परिस्थिति को मुख्य रख कर के बात करो। वर्तमान काल वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से कुछ नियम बदलते भी आए हैं और कुछ नियमों में कठोरता की बातें भी होती आई है देश काल परिस्थिति के हिसाब से। तो वर्तमान समय में भी कई तरह की ऐसी बातें कही है जिनके आधार पर कुछ परिवर्तन किए गए हैं। कैसे कैसे परिवर्तन हुए हैं और कैसी परिस्थितियाँ बनी हैं, आज कुछ अलग हटके बातें यहाँ होने वाली है। प्रकरण तो छठे अणुव्रत के संदर्भ में चल रहा था, नाम उसका दिया गया था रात्रि भोजन, रात्रि भोजन त्याग। बोले अहिंसा, सत्य, आचार्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, परिमाण, इन पांच अणुव्रतों के साथ साथ में एक छठा अणुव्रत और कह दिया गया। कुछ प्रमाण प्रस्तुत कर दिए गए, आचार्यों के प्रमाण प्रस्तुत कर दिए और आचार्यों के प्रमाण प्रस्तुत करके भी ये बात बतला दी कि देखिए देखिए यहाँ स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि रात्रि भोजन त्याग नाम का छठा अणुव्रत है। कुछ स्पष्टीकरण करते हैं उन्हीं बातों का। पेज नंबर निकालिए 203, लास्ट लाइन है 203 नंबर पेज पर। प्रमाण पीछे प्रस्तुत किया चारित्र सार का, जिसमें छठे अणुव्रत की बात कही, ठीक है ना। आचार सार ग्रंथ का प्रमाण प्रस्तुत किया जिसमें छठे अणुव्रत की बात कही। देखो पांच अणुव्रतों की चर्चा करने वाले कितने ग्रंथ गिनाए थे, जरा देखना। अणुव्रत पांच होते हैं ये बात बतलाने वाला रत्नकरण श्रावकाचार्य, चारित्र पाहुड़, तत्वार्थ सूत्र, यशस्तिलक चंपू,
वसुनंदी श्रावकाचार्य, आचार्य अमित गति का उपासकाचार्य, ये सारे ग्रंथ कितने प्रमाण दे दिए इन्होंने। अणुव्रत कितने होते हैं? बोले पांच। पांच अणुव्रत बतलाने के लिए इतने सारे प्रमाण दे दिए। अब ये क्या कह रहे हैं विपुल भाई गांधी? अब क्या प्रमाण दे रहे हैं देखिए जरा। अब ये कह रहे हैं छह होते हैं, इसके लिए भी कई प्रमाण हैं हमारे पास में। बोले अच्छा, कौन से प्रमाण हैं? बोले आचार सार। ठीक है साहब, किसका लिखा हुआ है आचार सार? बोले वीर नंदी आचार्य का लिखा हुआ है। कि अच्छा, तो फिर दूसरा लिया, बोले चारित्र सार। बोले ये किसका लिखा हुआ है? बोले चामुंडराय का लिखा हुआ है। बोले उसमें भी वही वर्णन है? कि हाँ जी, उसके अंदर भी वही वर्णन मिलता है। फिर कहा कि और सुनो, पूज्यपाद आचार्य। बोले कहाँ लिखा है? बोले सर्वार सिद्धि में। कि क्या लिखा है? बोले अणुव्रत पांच नहीं छह होते हैं। अजब हो गया, तीसरा प्रमाण हो गया। पढ़ें जरा, भगवान पूज्यपाद स्वामी ने अपने सर्वार सिद्धि नामक ग्रंथ के सातवें अध्याय में प्रथम सूत्र की व्याख्या करते हुए रात्रि भोजन विरमण नामक छठे अणुव्रत का उल्लेख इस प्रकार किया है। लो, पूज्यपाद आचार्य भी कह रहे हैं रात्रि भोजन त्याग नाम का एक छठा अणुव्रत है। तीसरा प्रमाण हो गया भाई साहब। ये देखिए जरा क्या कह रहे हैं इसमें। 204 नंबर पेज खोलिए। ननु च षष्ठम अणुव्रतमस्ति रात्रि भोजन विरमणम तदिहोप संख्यातव्यम नीवनास्वंतर्भावात् अहिंसा व्रता भावना ही वक्ष्यन्ते तत्रालोकित पान भोजन भावना कार्येति। ये तत्वार सूत्र सातवें अध्याय का प्रकरण पूज्यपाद आचार्य का लिखा हुआ। पूज्यपाद स्वामी का अस्तित्व काल विक्रम की छठी शताब्दी का पूर्वार्ध माना गया है। उस समय रात्रि भोजन विरमण नाम का छठा अणुव्रत प्रचलित था, छठी शताब्दी में। इसका मतलब इसके अलावा जितने भी क्या जो बातें कही हैं वो सब अलग प्रकार की हैं, जिनमें पांच अणुव्रतों की चर्चा की और वो पूर्ववर्ती बातें हैं। देखिए, परंतु उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार सूत्र में इस छठे अणुव्रत का विधान नहीं किया। तत्वार सूत्र में नहीं किया है, सर्वार सिद्धि में किया है छठे अणुव्रत का विधान। इससे प्रतीत होता है कि उस समय यह छठे व्रत के रूप में प्रचलित नहीं होगा। इसका मतलब उमा स्वामी आचार्य के समय में पांच होंगे और पूज्यपाद आचार्य के समय में छह प्रचलन में आ गए होंगे। स्पष्ट हो गई ना बात? और देखिए, अकलंक स्वामी ने भी, अकलंक स्वामी ये आठवीं शताब्दी में हुए, अकलंक स्वामी ने भी अपने राजवार्तिक में पूज्यपाद के वाक्यों का प्रायः अनुसरण और उद्धरण करते हुए रात्रि भोजन विरति को छठा अणुव्रत प्रकट किया है। तदपि षष्ठम अणुव्रतम और इसके विषय में वे ही विकल्प उठाकर उसे आलोकित पान भोजन नाम की भावना में अंतर्भूत किया है। माने आचार्यों ने जगह जगह इस रात्रि भोजन त्याग संबंधी प्रकरण को बहुत उठा उठा करके कहा है। हम कल तक काफ़ी विस्तार से ये चर्चा कर चुके थे। आज ये समय की मांग थी, माने समय के अनुसार, देशकाल परिस्थिति के अनुसार, वर्तमान परिस्थिति के अनुसार, हम ऐसा भी कह सकते हैं समय की इस प्रकार की मांग थी, जिसे देखते हुए रात्रि भोजन त्याग को व्रतों में शामिल किया गया। आप कुछ और बातें कह रहे हैं, समय के अनुसार क्या क्या परिवर्तन होते रहे हैं। एक तो ये अणुव्रत के अंदर बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन वाली बात हो गई है। अब और नया देखिए, यहाँ यह विचारणीय है कि वीतराग महात्माओं के उपदेश में भी समय के अनुकूल फेरफार हुआ करता है। लो, ये भाई साहब कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, जरा देख लीजिएगा क्या कह रहे हैं। विचारणीय बात यह है, वीतरागी महात्माओं के उपदेश में, वीतरागी हैं, महात्माएं हैं, मुनिराज हैं, दिगंबर संत हैं, उनके उपदेश में भी समय के अनुकूल,
समयानुकूल फेरफार हुआ करता है। गजब हो गया भाई साहब, कैसी बातें करते हो आप, समय के अनुसार फेरफार की बातें कर रहे हो कि हाँ जी फेरफार हो जाता है, उपदेश में भी कि हाँ समय के अनुसार बदलते रहते हैं। मुनिराजों के उपदेश बदल गए, तीर्थंकरों के उपदेश बदल गए, ज्ञानियों के उपदेश बदल गए, व्याख्याकारों की व्याख्याएं बदल गई, नियमों के अंदर कुछ कंसेशन कर दिए गए, नियमों के अंदर कुछ और जोड़ दिया गया, देश काल परिस्थिति के अनुसार समय देख करके घोषणा कर दी गई, अभी तो ऐसा होना चाहिए, ये सब तरह की बातें हैं। अभी थोड़ा सा खोल रहे हैं इस चीज़ को, आप देखना जरा समझ में आएगी आपके क्या क्या परिवर्तन होते गए हैं। क्या अभी लिखते तो इसके अंदर और भी नया ऐड हो सकता था और होना भी चाहिए, आप बतलाइए। बहुत सारे आजकल तो इस तरह के कुतर्क करने लगे हैं, मामा ऐसी बातें कहते हैं कि टीवी देखने का निषेध कौन से शास्त्र में है भाई साहब, कौन से शास्त्र में लिखा है कि मोबाइल नहीं रख सकते। मुनिराजों के मोबाइल रखने का निषेध कौन से शास्त्र में लिखा है, हमें तो शास्त्र दिखाओ तो मानेंगे। अब हम तुम्हें क्या दिखाएं, मोबाइल रखने का निषेध है कि नहीं है, कहाँ से दिखाएं? टीवी के निषेध की चर्चा कहाँ मिलेगी क्या? क्योंकि पहले तो अकेली बीवी हुआ करती थी, टीवी तो होती नहीं थी। आज के 100 साल पहले चले जाओगे तो बीवी के अलावा टीवी तो मिलती नहीं थी। अब टीवी के निषेध की चर्चा कहाँ आएगी, मोबाइल के निषेध की चर्चा कहाँ आएगी? अब बड़ी समस्याएं हैं, क्या करो। लोग तो फटाफट ये कह देते हैं हमें तो शास्त्र दिखाओ भाई साहब, हमें तो शास्त्र दिखाओ भाई साहब। अरे कहाँ से शास्त्र दिखाएं भाई साहब, आपको शास्त्र कहाँ से दिखाएंगे? शास्त्रों में तो वही बातें लिखेंगे ना, जैसी गलतियाँ वर्तमान में दिख रही है उनके ऊपर कलम चलाइए। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, कुछ नई नई बातें जानने को मिलेगी आज, आज कुछ नई चर्चाएं भी होने वाली है। क्या यह यहाँ यह विचारणीय है कि वीतरागी महात्माओं के उपदेश में भी समय के अनुकूल फेरफार हुआ करता है। यहाँ तक कि सर्वज्ञ तीर्थंकर भगवान ने भी अपने समय के साधु वर्ग को समयानुसार उपदेश दिया है। लो, तीर्थंकर परमात्माओं ने भी साधुओं के लिए उपदेश समय के अनुसार दिया है। सो नीचे बताया जाता है, मूलाचार की गाथा प्रस्तुत की है भाई साहब, मूलाचार की गाथा। आचार्य वट्टकेर स्वामी कह रहे हैं मूलाचार, मूल आमनाय का ग्रंथ है मूलाचार, गजब का ग्रंथ है चरणानुयोग का, मुनिराजों के आचरण का वर्णन बतलाने वाला। क्या सिद्धांत नहीं बदलते, स्वरूप नहीं बदलता, चरित्र और चरणानुयोग के प्रकरण बदल जाया करते हैं। मूलाचार महान ग्रंथ है जैन परंपरा का। देखिए जरा क्या लिख रहे हैं, अरे कई आचार्य तो ऐसा मानते थे कि ये मूलाचार कुंदकुंदाचार्य का लिखा गया है। कई विद्वानों का मानना ऐसा है कि ये मूलाचार कुंदकुंदाचार्य देव की रचना है, लेकिन भाषा शैली वगैरह की दृष्टि से ये आचार्य वट्टकेर की कही जा रही है। देखिए, बावीस तीर्थ यरा सामायम संयमम उपदिशन्ति छेदो वट्ठाण वणियम पुन भयवम उस होय वीरोय। क्या लिख रहे हैं जरा सुनिए, उस समय मुख्यतया उनके उपदेश में फेरफार हो जाता था। क्या कह रहे हैं, उपदेश में फेरफार हो जाता था किंतु उद्देश्य में भेद नहीं था। समझना क्या कह रहे हैं, उद्देश्य में फर्क नहीं है, प्रयोजन में फर्क नहीं है, पोषण तो वीतरागता का ही होना चाहिए, पोषण तो ऊपर से हट करके अंदर में जाने का ही होना चाहिए, उसमें भेद नहीं था। जैसे भगवान आदिनाथ स्वामी ने और भगवान महावीर स्वामी ने अपने समय में छेदोपस्थापना चारित्र का उपदेश दिया। चारित्र 5 प्रकार के हैं, हम सब जानते हैं 5 प्रकार के चारित्र हैं। कौन कौन से 5 प्रकार के चारित्र हैं? सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। ये 5 प्रकार के चारित्र हैं। तो ये कह रहे हैं छेदोपस्थापना चारित्र का उपदेश ऋषभ देव भगवान ने दिया था और महावीर भगवान ने भी दिया,
दो तीर्थंकरों ने तो छेदो प्रस्थापना चारित्र का उपदेश दिया और भगवान अजितनाथ स्वामी के समय से लेकर भगवान पार्श्वनाथ तक जो 22 तीर्थंकर हुए हैं, 22वें तीर्थंकरों का समय था या 22 तीर्थंकरों का समय था, उसमें उन्होंने सामयिक चारित्र का उपदेश दिया। ख्याल में आ रही है बात? गजब हो गई भैया, चारित्र का उपदेश दिया जा रहा है। ऋषभ देव और महावीर भगवान ने छेदोपस्थापना का उपदेश दिया, अजितनाथ से पार्श्वनाथ तक तीर्थंकरों ने सामयिक चारित्र का उपदेश दिया। अब हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि बीच के तीर्थंकरों ने छेदोपस्थापना का उपदेश क्यों नहीं दिया, और महावीर भगवान ने और आदिनाथ भगवान ने छेदोपस्थापना का उपदेश क्यों दिया। छेदोपस्थापना आप जानते हैं, छेदोपस्थापना क्या चीज है? छेद और उपस्थापना, छेद गैप ब्रेक टूट जाना भंग हो जाना, छेद माने दूषण लग जाना और वापस उस दूषण से क्या हो जाना, उसको कवर कर लेना, रिकवर कर लेना, ये कहलाएगा उपस्थापना। तो छेदोपस्थापना का मतलब भंग हो करके वापस, समय ही इसी तरह का था। नीचे प्रश्न उठा करके जवाब दिया है, नीचे से पढ़ता हूँ जरा देखिएगा आप क्या कह रहे हैं। आदिनाथ और अंतिम तीर्थंकर ने तो छेदोपस्थापना का उपदेश किया और मध्यवर्ती 22 तीर्थंकरों ने सामयिक चारित्र का उपदेश दिया। इसमें क्या कारण है, ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या है? तो फिर जवाब यही देंगे, देश काल परिस्थिति के अनुसार, समय अनुसार। भाई साहब, काल ही कारण है, समय ही कारण है। आप देखिए पीछे जो अष्टमूल गुणों की संख्या के अंदर भी परिवर्तन हुए, अष्टमूल गुणों के नाम में भी जो परिवर्तन हुए, उसमें देश काल परिस्थिति तो कारण है। अभी आचार्य तुलसी हुए, श्वेतांबर तेरा पंथ संप्रदाय के नायक 9वें आचार्य, उन्होंने अणुव्रत आंदोलन चलाया पूरे देश में। घटनाएं लगभग आज से 30-40 साल पुरानी, अणुव्रत आंदोलन चलाया उन्होंने 30-40 साल पहले। 2021 चल रहा है ना, आप समझ लीजिए 90s की बात समझ लीजिए आप, 80s-90s में उन्होंने अणुव्रत आंदोलन चलाया और 5 अणुव्रतों के स्थान पर उन्होंने बहुत सारे अणुव्रत बतलाए, गुटखा नहीं खाना, सिगरेट नहीं पीना, इन सबको उन्होंने अणुव्रतों के अंदर शामिल करके बतलाया, देश और साम्राज्य के सुधार की दृष्टि से। तो बदलती रहती है परिस्थितियाँ, क्या क्या बतलाएं, समय की मांग है, कारण बतला रहे हैं। प्रथम आदिनाथ स्वामी के समय जो शिष्य वर्ग थे वे सरल परिणामी थे, क्या करें भाई साहब। ऋषभ देव के सामने जो शिष्य थे, अमित संघवी जी साहब देवलाली वाले, ऋषभ देव के स्वामी के सामने जो शिष्य थे वे शिष्य बहुत भोले थे, बहुत सरल परिणामी थे, अतः भूल जाते थे। इस कारण से प्रथम तीर्थंकर ने छेदोपस्थापना का उपदेश दिया, भोले लोग हैं बेचारे, क्या करो, भूल जाते हैं। और अंतिम तीर्थंकर के समय की जनता में मायाचार की मात्रा थी, अतः वक्र परिणामी थे, कुटिल परिणामी थे। महावीर भगवान के समय के लोग, अरे अभी तक भी कैसे कुटिल लोग हैं, कहते क्या हैं, बोलते क्या हैं, करते क्या हैं, सोचते क्या हैं, पता ही नहीं लगता है भाई साहब, बड़ा खतरनाक मामला है, कैसे भरोसा कर सकते हैं। तो वक्र परिणामी थे, अतः उनके हित के लिए छेदोपस्थापना का उपदेश कार्यकारी था। दोनों के लिए तर्क दे दिए, वक्र माने टेढ़े, वक्र माने आड़े टेढ़े परिणाम वाले, मायाचारी परिणाम वाले। तो कैसी स्थिति हो गई, दुनिया में दो तरह के लोग हो गए, एक अत्यंत सरल लोग, सीधे साधे लोग, भोले वाले लोग, और दूसरे टेढ़े लोग। बोले दोनों ही लोगों को समझाने के लिए छेदोपस्थापना की जरूरत महसूस होती है, इसलिए ऋषभ देव स्वामी ने भी इस चारित्र की बात कही और महावीर स्वामी ने भी इस चारित्र की बात कही। शेष 22 तीर्थंकरों के समय में शिष्य वर्ग साधुओं में, न तो भोलापन और न वे वक्र परिणामी एवं मायाचारी ही थे, भोले भी नहीं थे, वक्र परिणामी भी नहीं थे।
अतः उन्हें सामयिक चारित्र का उपदेश दिया। तो मतलब समझ गए ना आप, बात बदल गई समय के अनुसार। अभी और गजब की बातें देखना। बात यह है कि जिस समय जैसी आवश्यकता होती है उस समय वैसा ही प्रतिपादन किया जाता है। यह है चरणानुयोग। क्या करें, चरणानुयोग के कथन इसी तरह के होते हैं। जब जैसी योग्यता होती है, जब जैसा काल होता है, जब जैसी परिस्थिति होती है, उसी के अनुसार वैसा ही प्रतिपादन किया जाता है। जैसे आदिनाथ पुराण में यज्ञोपवीत का कथन कर दिया, सो मान्य ही है। अब आदिनाथ पुराण में, आदि पुराण में लिख दिया जिनसेनाचार्य देव ने, यज्ञोपवीत के बारे में लिख दिया। यज्ञोपवीत तो जानते हैं आप लोग, यज्ञोपवीत संस्कृत का शब्द है क्या, और हिंदी में कहते हैं उसे जनेऊ। तीन धागों वाला होता है, तीन धागे होते हैं उसमें, जनेऊ में। हिंदुओं के द्वारा जो संस्कार किए जाते हैं उन हिंदू संस्कारों में जनेऊ की चर्चा बहुत विस्तार से मिलती है। जनेऊ संस्कार है उन संस्कारों में। अब इन्होंने किया वहाँ आदि पुराण में, तो मान लिया उसे। अब क्या कहो कि ठीक है भाई साहब, वर्तमान में तो इस तरह की कोई उपयोगिता इस तरह की दिखती नहीं है। तीन धागों वाला होता है ऐसा, और ऐसे कान में मान लेते हैं उसको, धार्मिक क्रियाओं वगैरह के लिए, याद रखने के लिए, भगवान को याद रखने के लिए, माने जाप करने के लिए, भूल जाएं तो वो उनसे याद रह जाता है कि ये बंधा हुआ है, वो हटा लेते हैं। ब्राह्मण लोग करते हैं इस तरह का। अपने यहाँ रत्नकरण श्रावकाचार्य में तो उसका निषेध भी किया सदा सुखदास जी ने दृढ़ता से, लेकिन ये तो समयानुसार फ्लेक्सिबिलिटी की बात यहाँ कह रहे हैं। क्या देखिए, और भी गजब गजब की। अभी तो सुनो यज्ञोपवीत की बात कही है, आगे तो सुनो आप। वो तो मान्य कर दिया, कोई बात नहीं। इसके अतिरिक्त देश में जब जैनेतर लोगों का बहुत जोर हो गया, क्या जैनेतर लोगों का बहुत जोर हो गया और जैन मंदिरों की रक्षा करना अत्यंत कठिन जान पड़ा। जैनियों के ऊपर अत्याचार कम नहीं हुए हैं भाई साहब, मुस्लिमों के भी आक्रमण हुए हैं, हिंदुओं के भी आक्रमण हुए हैं, जैन मंदिरों को तोड़ा गया है, विध्वंस कर दिया गया है, मूर्तियों को खंडित कर दिया गया है, जैन मंदिरों को हिंदू मंदिरों के अंदर परिवर्तित कर दिया गया है, ऐसे बहुत तरह के काम हुए हैं। क्या आज भी कितने ही मंदिर ऐसे दिखाई देते हैं जैन मंदिरों में, वो दिगंबर प्रतिमाएं थी, जैन प्रतिमाएं थी, लेकिन उनके ऊपर जैसे तिरुपति के मंदिर के संदर्भ में कहा जाता है, नेट पर भी आप सर्च करेंगे तो आपको इस तरह की बातें मिल जाएगी। तिरुपति का जो मंदिर है वो हमारे जैन तीर्थंकर चन्नेमिनाथ स्वामी का मंदिर है, जैन प्रतिमा है वहाँ बहुत जगह पर। मतलब जैन मंदिरों के अवशेष वगैरह मिलते हैं, तोड़फोड़ वगैरह बहुत होती रही। आप ये सामने लिख रहे हैं, हमारे पास 10 किलोमीटर की दूरी पर है। खैर बहुत हैं इस तरह के। लेकिन फिर उस समय क्या हुआ, उस समय इन भट्टारक लोगों ने मंदिरों में क्षेत्रपाल आदि विराजमान करना उचित समझा। क्या करें भाई साहब, तो ये योगदान रहा है, ये इनका क्षेत्रपाल वगैरह का बहुत योगदान रहा है। काला साहब क्या योगदान रहा है इनका, कि इन्होंने जैन मंदिरों की सुरक्षा के लिए ये काम किया। लेकिन इनको पता नहीं था कि कालांतर में ये ऐसी परिस्थितियां बन जाएगी। जैसे समझिए बाहर से कोई दौड़ते हुए आए, ध्यान देना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कुछ क्षेत्रपाल की चर्चा करना चाह रहा हूँ मैं। क्षेत्रपाल क्या चीज है, बाहर से कोई व्यक्ति दौड़ते हुए आए, आक्रमणकारी लोग, और दौड़ते हुए आए और उन्हें अंदर घुसकर मंदिर में घुस करके मंदिर में तोड़फोड़ करनी है, मूर्तियां तोड़नी है कि ये जैन मंदिर हैं। तो इन्होंने क्या किया, मंदिर के बाहर दरवाजे पर ही सिंदूर लगाकर एक प्रतिमा विराजमान कर दी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्री पवन जी कासलीवाल की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुजी कासलीवाल जयपुर एवं पुत्री दिव्या चौधरी, दामाद अरिहंत चौधरी, दोहिते क्षायिक चौधरी व श्रद्धान चौधरी किशनगढ़ अजमेर राजस्थान।